देखिए जो भारत वर्ष है ना, यह ऋषि और कृषि संस्कृति वाला देश है। यहां पर अनेक प्रकार की साधना में संलग्न ऋषि महात्मा आए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। महर्षि वाल्मीकि इनका वर्णन कर रहे हैं, बैखा नशा बाल खिल्या संप्रक्षाला मरीचिपा अस्मकुट्टाश्च बहवः पत्राहाराश्च तापसाः दन्तो लुखीलनश्चैव तथैवोन्मज्जकाः परेः गात्रशय्या असय्याश्च तथैवानवकाशिकाः मुनयः सलिलाहारा वायुभक्षास्तथा परे आकाशनिलयाश्चैव तथा स्थण्डिलशायिनः तथोर्ध्ववासिनो दान्ताः तथार्धपटवाससः सजपाश्च तपोनिष्ठाः तथा पंच तपोन्विता सर्वे ब्राह्मयाश्रिया युक्ता दृढ़योगसमाहिताः सरभंगाश्रमे रामं अभिजग्मुश्च तापसाः। बैखानसाः बालखिल्याः, ध्यान से सुनेंगे। बैखानस ऋषि आए। बैखानस किसे कहते हैं? का ऋषियों का वह समुदाय बैखानस कहा जाता है जो ब्रह्मा जी के नख से उत्पन्न हुआ। बालखिल्य ऋषि आए जो प्रजापति के रोम से प्रकट हुए। संप्रक्षाल मुनि आए परमात्मनस चरण प्रक्षालन जाहा, जो भगवान के चरण प्रक्षालन के अनंतर प्रकट हुए थे, ऐसे संप्रक्षाल ऋषि आए। मरीचिप महात्मा आए। मरीचिप किसे कहते हैं? मरीच कहते हैं सूर्य और चंद्रमा के किरण को, और जो इन किरणों का पान करके ही तपस्या करते हो, ऐसे महात्मा आए। अब ध्यान से सुनेंगे तपस्या कैसे होती थी और किस किस प्रकार के तपस्वी राम जी के पास आए। मैं कह रहा था कि ध्यान से सुनेंगे तो भारत के ऋषियों का और उनकी तप और साधना का दर्शन हो जाएगा वाल्मीकि रामायण में। अस्मकुट ऋषि आए। अस्मकुट किसे कहते हैं? कहा जो कच्चे अन्न को पत्थर पर कूट करके ग्रहण करते थे, ये पका करके नहीं पाते थे, उस अन्न को पत्थर से इसे कूट लें और उसी को ग्रहण करके तपस्या करते थे, ऐसे अस्मकुट महात्मा आए। पत्राहाराश्च तापसाः, जो केवल पत्ता खा करके तपस्या करते थे, ऐसे महात्मा भी भगवान के पास आए। दंतो लूखली, दांत को ही जिन्होंने उखल बना रखा था, जैसे आपने सिलोंच वृत्ति सुना होगा, जैसे धान की खेती अभी हुई हो और जो खेत का मालिक वो धान काट कर ले जाए, उसके बाद एक दो बालियां गिर जाती हैं ढोने होने में, और उसके बाद उस पर मालिक अपना अधिकार छोड़ देता है, वो चला जाता है। तो जो महात्मा होते हैं उन बालियों को उठाते हैं और उन बालियों में से उसको उठाकर और दांत को ही उखल बना करके छिलका अलग कर दे और भीतर का जो दाना था उसको दांत से ही चबा के खा ले, और ऐसे वो तपस्या किया करते थे। उनको दंतो लूखली महात्मा कहा जाता था। उन्मज्जक, जो हमेशा कंठ भर पानी में डूब कर तपस्या करते थे, वो कभी जल से बाहर नहीं आए, लेकिन आज जब भगवान आए तो ये भी इनका दर्शन करने आए। और कहा गात्रशय्या असय्याश्च, गात्रशय्य जो अपने शरीर को ही बिस्तर बनाकर सोते थे, ये अलग से बिस्तर लगाकर नहीं सोते थे, जिन्होंने अपने शरीर को ही बिस्तर मान लिया था और अलग से बिस्तर नहीं लगाते थे, ऐसे महात्मा भगवान का दर्शन करने आए। अशय्य, जो कभी सोते ही नहीं थे, जो शयनहीन थे, जो कभी नींद ही नहीं लेते थे, कितनी कठिन तपस्या है महाराज, एक रात पूरी सोने को न मिले तो अगले दिन लगता है कि आप पागल हो जाएंगे, लेकिन ऐसे महात्मा है जो कभी सोते ही नहीं थे, वो भी राम जी का दर्शन करने आए। अनवकाशिकः, अनवकाशिक कहते हैं जिनके पास संसार का प्रपंच करने का अवकाश ही नहीं है, या संसार छोड़ो जिनके पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है किसी भी और चीज के लिए तपस्या छोड़ करके, ऐसे अनवकाशिक ऋषि भी भगवान के पास आए। सलिलाहारा, जो पानी पी करके तपस्या करते थे, सलिल माने जल,
जल को ही आहार बना करके जो तपस्या किया करते थे, ऐसे महात्मा भी हमारे राम जी का दर्शन करने आए। वायु भक्षास्त था परे, जो वायु का भक्षण करके तपस्या करते थे, ऐसे महात्मा इस दंडकारण्य में राम जी का दर्शन करने आए। आकाश निलयाश्चैव, आकाश निलय कहते हैं जो कभी किसी वृक्ष के नीचे विश्राम न करे, जो किसी घर के नीचे विश्राम न करे, जो किसी छत के नीचे विश्राम न करे, चाहे वर्षा हो, चाहे धूप हो, चाहे शीत हो, जो आकाश के नीचे ही हमेशा रहे, ऐसे आकाश निलय महात्मा राम जी का दर्शन करने आए। अस्थंडिल साई तथा स्थंडिल साई न, अस्थंडिल साई माने जो केवल जमीन पर ही सोते थे, भूमि पर शयन करने वाले। और कहा ऊर्ध्ववासी, ऊर्ध्ववासी कहते या तो पेड़ के ऊपर रहे या पहाड़ के ऊपर है, जो कभी नीचे नहीं उतरते थे, ऐसे पहाड़ पर या ऊंचे स्थान पर रहने वाले महात्मा भी आज उस ऊंचे स्थान को छोड़कर राम जी का दर्शन करने आए। और दांत, दांत कहते हैं जो इंद्रियों का संयम कर लिया, ऐसे महात्मा भगवान का दर्शन करने आए। आर्द्र पटवासाह, आर्द्र पटवसनशीला, आर्द्र पटवासाह, ऐसे महात्मा आए जिनका वस्त्र कभी सूखता नहीं था, जो गीला वस्त्र हमेशा पहने रहते थे, जब उनका वस्त्र सूखने लगता तो जल में जाकर के फिर से भिगो करके और लपेट लेते थे, ऐसे आर्द्रपटवास महात्मा आए। और सजपाह माने जो केवल हमेशा जप करते थे हमेशा, ऐसे महात्मा भी आए। और तपोनिष्ठ आए, जो तपस्या करते थे। और कहा पंचाग्नि सेवी आए, पंचाग्नि सेवी तो आप देखे होंगे, कभी कभी कुंभ में भी दिख जाते हैं, और न देखे हो तो कभी हमारी अयोध्या में आए, और अयोध्या में सरयू के किनारे किनारे आप दूर तक चलते जाएं, और जब दूर तक आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, 2-4 किलोमीटर जब आगे बढ़ेंगे सरयू के तट से लगे लगे, तब आपको ऐसे महात्मा दिख जाएंगे महाराज। पंचाग्नि सेवी चारों तरफ से आग जला करके बीच में बैठ जाते हैं। अच्छा कब बैठते हैं? अभी बढ़िया ठंडी का महीना है तो चारों तरफ आग जला के बैठे होंगे। कहा नहीं नहीं, जेठ की दुपहरिया हो, एक अग्नि ऊपर से भी तप रही हो, माने भगवान सूर्य ऊपर से तपते हैं, और उस ग्रीष्म ऋतु के मध्य दोपहर में वो चारों तरफ आग जला करके और बैठ करके बीच में फिर भगवान का भजन करते हैं, ऐसे पंचाग्नि सेवी महात्मा भी आज राम जी का दर्शन करने आए। और सब दर्शन करके धन्य हो गए, सब प्रार्थना करते हैं हे जगन्नाथ आज आपकी कृपा हो गई।